गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह के 5 बजे हैं भाई, और मेरे पीछे का नज़ारा अगर आप देख सकते हो तो ये नज़ारा है जहां हमने कैंपिंग करी है। 4 बजे नींद खुल गई थी, लेकिन 1 घंटा लेटा रहा मैं। वैसे ही मैं कहा 4 बजे तो क्या ही उठेंगे, मुर्गे ने बांध दे के उठाया भाई। तो मतलब आज प्रैक्टिकली उस चीज़ को महसूस किया है, मुर्गा भी बांध देता है, और उसकी बांध से ही नींद खुली। 4 बजे से उठा हूँ, आंखें देख रहे हैं आप कैसी सूजी सूजी लग रही हैं। खैर अभी मुँह धोया नहीं, जस्ट उठाई हूँ। ये मेरे पीछे हमारा सेटअप है, ये दो टेंट्स जो लगाए थे, और सामने तो नज़ारा मैं बता नहीं सकता। एक बार कैमरा आपको उधर करके दिखाता हूँ, ये सामने का नज़ारा है भाई। धुंध जमी हुई है, फॉग है, रात को बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है। मतलब बहुत तेज़ नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे की बारिश चली है। रात को बार 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 नींद खुली है उस बारिश की वजह से। ये पूरा व्यू है चारों तरफ का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और अगर आपको शायद मुर्गे की बांध सुनाई दे रही हो तो मुर्गा बांध भी दे रहा है भाई। भाई बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज़ ज़बरदस्त बारिश। ये देखो सामने, वो सामने हमारे टेंट्स नज़र आ रहे हैं भाई जो हमने लगाए थे। चिराग और कपूर और आर्यन भाई सो ही रहे हैं अभी, और हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। वो हमारे टेंट्स थे। ये सब खेत हैं, ये नीचे जितने खेत दिखाई दे रहे हैं सब पवन भाई के हैं। ये भाई चीड़ के पेड़ पे ये गोंद इकट्ठा करने के लिए, ये देखो ये कुप्पी लगा रखी है, ये गोंद इकट्ठा हो गया इसमें। ये फॉरेस्ट का ठेका छूटता है, और ये देखो ये कुप्पी सी लगा दी, और इसमें धीरे धीरे रिस्क है ये भर जाता है। ये भर गया पूरा। ये सामने है जिलिंग स्टेट भाई, जहाँ पे वो कपिल सिब्बल या सिद्धू किसी का काम चल रहा है जो बताया था हम पिछली बार आए थे। ये पूरा पहाड़ खरीद लिया और इसको डेवलप करेंगे। लेकिन अगर इसको पहाड़ को काट के ये लोग इतना डेवलपमेंट करेंगे तो जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये जो लैंडस्लाइड्स के केस हैं और ये सब जो चीज़ें हैं ये बढ़ेंगी इस हिसाब से। तो ये हम वन लेक की तरफ जा रहे हैं भाई, और ये देखो क्या शानदार प्रॉपर्टीज़ बना रखी हैं लोगों ने। ये देखो ये पर्सनल प्रॉपर्टीज़, और आप सामने व्यू देखो क्या ज़बरदस्त व्यू है। हाँ भाई, ये हम जा रहे हैं वन लेखी, एक गांव है वन लेखी रिजॉर्ट की तरफ, है ना। मतलब इतनी एक्सट्रीम, ये आगे रोड ख़त्म है, लास्ट आ गया बिल्कुल, और यहाँ पे भी दिल्ली का टेम्पो ट्रेवलर HR 26 आई हुई है। ये देखो ये भाई गेट लगा हुआ है, पैदल चढ़ के ऊपर जाना पड़ता कहीं। ये है भाई वो वन लेखी रिजॉर्ट, इसमें कितने 1 2 3 4 कॉटेजेस बने हुए हैं। ये इंडिविजुअल कॉटेजेस हैं डबल ऑक्यूपेंसी के साथ। लेकिन यहाँ अच्छा ऊपर का व्यू आप देखो, ये हिल टॉप है एकदम सबसे टॉप, पूरा नीचे पूरा शहर पूरी वैली दिखाई देती है यहाँ से। ये देखो ये भाई उसके एंट्रेंस है, और ये अंदर पूरे कॉटेजेस हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए ये पगडंडी है, ये रास्ता है, कम से कम 700 से 800 मीटर हम चढ़कर आए होंगे। क्यों भाई पवन भाई? हाँ सर, 700-800 मीटर तो चढ़कर, 700 से 800 मीटर चढ़ के आना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक कोई गाड़ी नहीं पहुँचेगी, कुछ नहीं पहुँच सकता, सिर्फ पैदल आने का रास्ता है। और जो घूमने के शौकीन हैं वो लोग ये सब एफर्ट्स करके पहुँचते भी हैं। फुल है, अभी आज हम आए तो ये फुल था एकदम, एक भी रूम अवेलेबल नहीं था। तो भाई हम वहाँ ऊपर से उतर कर जब आए, है ना, ये प्राइवेट रास्ता बना रखा है जिनकी भी प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे दो लोगों ने विलाज बना रखे हैं। एक ये विला बना हुआ है, ये लगभग 2.5 नाली में बता रहे हैं भाई, और एक ये विला बना हुआ है दिल्ली के किसी जज साहब का, बहुत दिल से बनाया हुआ है, बहुत अच्छे पैसे लगाए हुए हैं भाई। स्टील का गेट है, मतलब अभी देखो स्टेनलेस स्टील का गेट है, और 1.25 नाली बता रहे हैं भाई 240 गज। अच्छा हाँ ठीक है,
300 गज लग नहीं रहा, पर हो सकता है चलो हो। और बंद पड़ा है, बंद होने की वजह से ये देखो अंदर प्रॉपर मेंटेन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप प्रॉपर यहाँ रहोगे नहीं तो मेंटेन कैसे होगा। इतना पैसा लगाने के बावजूद भी चीजें मेंटेन नहीं हो पाएंगे। यहाँ तक तो था भाई ये पक्का रोड, मतलब पक्का इन द सेंस सीमेंटेड रोड, अब ये है कच्चा रोड नीचे जो जा रहा है। एक इस तरफ चला गया, इधर भी किसी ने बना रखा है, ये सामने एक विला एक और बना हुआ है, और ये एक रोड कच्चा रास्ता नीचे जा रहा है। भाई जो लोग प्रॉपर नहीं रह सकते, मतलब जो खुद रहते नहीं है, सिर्फ साल में 2-4-5 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए लेते हैं, उनकी चीजें मेंटेन इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो खुलती नहीं है, और जब तक कोई रहेगा नहीं तब तक चीजें मेंटेन कैसे होंगी। कौन सी बता रहे हो भाई, कहाँ से? हाँ ये भाई हम मचान में रुके थे, कहाँ का है ये? मचान का एक वो है ना। तो भाई यहाँ पे एक तो दाल अपने को बासी मिली, भाई कह रहा बासी तो होती नहीं है, फिर इसने हमारे को नीचे भेज दिया, नीचे बोलता है कि नीचे चले जाओ, दाल भाई साहब बासी नहीं होती है, ओल्ड होती है ना। और नीचे भेजने के बाद बोलता है कि वहाँ के नीचे देने के 10% चार्ज लगते हैं, पर खुद ही बोला था नीचे जाके बैठ जाओ। तो भाई कोई भी इस रूट से निकल रहा हो, मतलब मेरा तो सजेशन ये है कि यार मत रुकना भाई, अगर बेवकूफ नहीं बनना है तो। बाकी ये भाई ये है द रिवर साइड फैमिली और अ यूनिट ऑफ मचान रेस्टोरेंट, पता नहीं मचान का है उसका नाम ही खराब कर रहा है। हाँ भाई हमने ये रिवर छोटी सी क्रॉस करके और अपनी गाड़ियाँ इस तरफ लगा, ये यहाँ लगा दिए, अब हम नहाने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से नहाए नहीं है तो भाई वहाँ तो कहीं सतुना बैठा नहीं नहाने का, अब यहाँ पे नहाएंगे भाई। तो यहाँ पानी बढ़िया है, पानी बढ़िया भाई, चलो अच्छा चलो नहाते हैं फिर। आज भाई हमारे साथ एक कहानी हो गई, ये देखो भाई के पाँव पे खून देख रहे हो, और एक निशान है ना सेम मेरे, ये देखो ये निशान मेरे भी, और अब मेरे भी खूब खून निकल रहा था, भाई के अंगूठे के नीचे भी निकल रहा है। ना हमें कहीं चोट लगी, ना हमें पता कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन ये देखो ये मेरी जुराब में खून, भाई दिख रहा है कितना सारा खून जुराब में है, और पेंट में देखो भाई साहब पेंट में भी खून लग रहा है, कहाँ गया ये देखो, पता भी नहीं चला ये। और सबसे मेन चीज़ ये देखो कितना सारा खून निकल गया लेकिन हमें पता नहीं चला, ये देखो वो भाई साहब ये खून ही खून है, और ना तो चोट का पता, वो देखो ये देखो ये, और ये भाई पता ही नहीं चला क्या हो गया, किसने काटा, देखते हैं कुछ देर बाद हमारे साथ कुछ हो ना जाए। तो भाई हम नहा के आए हैं और थार का एसी नहीं चल रहा, भाई थार का कंप्रेसर ऑन ही नहीं हो रहा भाई, अब क्या चक्कर है? चिराग भाई एनी आइडियाज? भाई कोई आइडिया नहीं, नो आइडियाज, नहीं पाइपलाइन पे पत्थर नहीं। तो भाई रानी खेत क्रॉस कर रहे हैं हम लोग और आगे बागेश्वर तक जाने का प्लान है, मौसम बहुत बढ़िया और शानदार हो रखा है। ये भाई आर्मी स्कूल बस का टायर फट गया और जोरदार धमाका हुआ जैसे बम फट गया हो, ये देखो सब बच्चे उतार दिए इन्होंने बस में से। भाई इस बोर्ड पे लिखी है एक जगह भिक्या सेन, और इस भिक्या सेन से हमारे बहुत पुराने रिलेशन जुड़े हुए हैं, अब तो क्या टूट गए वो रिलेशन, पहले थे भाई। ये भाई सामने का नज़ारा देखो, खेत हैं ये पूरे, ये देखो पहाड़ों की खेती, वो सामने पहाड़ हैं और ये पूरे खेत हैं सामने। अभी हम जा रहे हैं बागेश्वर की तरफ, ये उसके रास्ते में ये पूरी खेती हो रखी है, ये तो मेरे को आइडिया नहीं किस चीज़ की हो रखी है, लेकिन पूरे खेत ही खेत, हरियाली है हर तरफ, चारों तरफ हरियाली है। और ये हमारी थार खड़ी हुई है और ये हमारी फॉर्चुनर है। बागेश्वर पहुंचने वाले हैं भाई, शाम के 5:30 बज गए, जस्ट पहुंचने वाले हैं आधे पौने घंटे में। अभी हम बागेश्वर से कपकोट वाले रूट पे हैं भाई, जो आगे खाती विलेज और उस तरफ जाता है पिंडारी ग्लेशियर जाने के लिए, और ये लैंडस्लाइड हो रखी है शायद, ये पूरा पहाड़ गायब सा ही दिख रहा है, लैंडस्लाइड ही हुई होगी यहाँ पे। हाँ वो देखो वो आगे हो आ रहे हैं ऊपर से,
नहीं बट वो लैंडस्लाइड नहीं है, वो काम चल रहा है, वो शायद काम चल रहा है क्योंकि वो जो आ रहे हैं ना मेरे को ऐसा लग रहा है वो क्या बोलते हैं अपने वहाँ क्रेशर, पत्थरों को काटने के लिए जो होते हैं, या शूटिंग स्टोन्स हैं। रुको मैं देख कर आता हूँ, मैं देख कर आता हूँ, बंद कर दो गाड़ी को। ये आगे शूटिंग स्टोन्स हैं, ये देख वो कहाँ तक जा रहे हैं। ये काम चल रहा है क्या? अच्छा अच्छा, ये भाई आगे काम चल रहा है, हमें लगा शूटिंग स्टोन्स हैं, अपने आप आ रहे हैं। ओके, ये भाई मशीन से काटे हुए पहाड़ हैं, कोई लैंडस्लाइड नहीं हुई अभी पता किया हमने, आगे सब काम चल रहा है और ये मशीन से काटे हुए ही पहाड़ हैं ये सारे। और ये हमारे यहाँ पे साथ में बह रही है सरयू नदी, बहुत देर से सरयू नदी साथ साथ चल रही है, मतलब सरयू नदी साथ साथ नहीं चल रही है, हम सरयू नदी के साथ साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छा भाव है भाई। अभी आज का स्टे हम लोगों ने रखा है होटल सरयू में, ये अपना कपकोट में, यहाँ रात को रुकेंगे आज और फिर कल निकलेंगे यहाँ से। अभी रात को बैठ के डिसाइड करेंगे, आधे लोगों का मन है जाने का, आधे लोगों का मन है नहीं जाने का, तो अभी कल के लिए आज बैठ के डिसाइड करेंगे कि एक साथ जाएंगे कि आधे दाएँ जाएंगे, आधे मेरे पीछे आएंगे। तो भाई हम आज जहाँ पे रुके हैं ना, यहाँ पे क्या नाम था इस जगह का? कपकोट। यहाँ पे भाई आज हमारे क्या खाने का सतना कुछ बैठा नहीं, अंडे वगैरह हमने पहले ही ले रखे थे, अब कल हो जाता मंगलवार तो उसको निपटाते कैसे, इसलिए आज भाई हम ये देखो ट्रे हमारी आज ही तो निपटा दी है, ये आज हम खुद ही बना रहे हैं अंडे और खुद ही यहाँ पे अपने डिनर का प्रबंध कर रहे हैं अपने रूम में ही। इसका खैर एक अलग ही लेवल का फन है, जब कोई भाई खुद बनाएगा और खाएगा तो उसको, हाँ ये तो मज़ा तो अलग है भाई इस लेवल का।